औरत के लिए आचार्य चाणक्य जैसा इंसान इतनी कोशिश करे, यकीन नहीं हो रहा। क्यों? सामान्य स्त्री को दाह संस्कार का अधिकार नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप उस औरत और उसके बच्चे के सामने बार बार खड़े हो जाते हैं, मुझे तो शक हो रहा है कि वो औरत कोई आम औरत थी भी या कोई खास। जो स्त्री सम्राट के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान दे सकती है, उस स्त्री को जो मनुष्य सामान्य कहता है, उस सम्राट के जीवन का मूल्य नहीं जानता। आपने उस औरत और उसके बच्चे में इतनी दिलचस्पी दिखाकर सम्राट का मन बदल दिया, ये ठीक नहीं है आचार्य। एक निर्दोष स्त्री की हत्या हुई है और उसका पुत्र अनाथ हो गया है, ये बात ठीक नहीं है मीर। वो एक हादसा था, बाघ ने मारा था उसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हादसे को बार बार हत्या कहकर आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं। उस निर्दोष स्त्री की हत्या हुई है, उसे दुर्घटना कह के उसकी उपेक्षा क्यों करना चाहते हैं आप? सम्राट ऐसा कैसे कर सकते हैं राजमाता? वो एक दासी थी, सम्राट पहले ही उसे राज के सम्मान दे चुके हैं, अब ये दाह संस्कार। सम्राट कैसे उसका दाह संस्कार कर सकते हैं? क्या सम्राट भूल चुके हैं कि दाह संस्कार केवल पिता पुत्र या पति ही कर सकता है? सम्राट कैसे उसे अग्नि दे सकते हैं? क्या ये हमारे नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रीति के विरुद्ध नहीं? सम्राट कैसे अपने नियमों को भूल सकते हैं? वो अशोक नाटक में नाटक कर सम्राट को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन आप सब कुछ देखकर भी क्यों कुछ नहीं कर पा रही हैं? आप सम्राट की माँ है ना, क्या आपको उनके मान सम्मान की बिल्कुल भी चिंता नहीं? एक आप ही जो सम्राट को रोक सकती है। पता नहीं आने वाले समय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु कोई ना कोई युक्ति तो ढूंढनी ही पड़ेगी इस अनहोनी को रोकने के लिए। भले ही व्यक्तिगत रूप से हम सुभद्रांगी के प्रति कितने ही कृतज्ञ क्यों ना हो, उसने स्वामी को जीवन का दान दिया, लेकिन क्या इसी कारणवश हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा कर सकते हैं? क्या उसके लिए मर्यादा का उल्लंघन करना उचित होगा? क्या कहेंगे सब लोग? क्या हम प्रेम से अशोक को समझा नहीं सकते? क्योंकि अगर अशोक समझ गया तो सम्राट अपने आप समझ जाएंगे। प्रेम से समझे उसे जिसे दंड मिलना चाहिए। राजमाता, सम्राट आपसे अधिक किसी को नहीं मानते। हमें लगता है कि आपको उन्हें रोकना चाहिए। केवल अब आप ही हैं जिनकी बात वो सुन सकते हैं। हम राजमाता अवश्य हैं, किंतु उससे भी बड़ा सत्य ये है कि हम भी तुम्हारी तरह एक स्त्री हैं। विडंबना है कि स्त्री को पुरुष का निर्णय सदैव अपना भाग्य समझ के स्वीकार करना पड़ता है, और यहाँ हम जिस पुरुष की बात कर रहे हैं वो तो सम्राट हैं। उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं, इसीलिए सम्राट की इच्छा को स्वीकार करना पड़ेगा। और कोई विकल्प नहीं।
आपके हाथ का भोजन अमृत से कम नहीं। आनंद आ गया। देशराज, तुम यहां कैसे? क्या हुआ? तुमने सुना नहीं क्या हुआ है? क्या हुआ? अशोक की मां का देहांत हो गया। क्या? तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि अशोक की मां वही थी जिसने सम्राट का उपचार किया था। सब कुछ तुम्हारे जाने के पश्चात हुआ। वो वन गई थी सम्राट के साथ। वही व्याघ्र ने उन पर आक्रमण कर दिया, जो कोई इस बात से इतना धक्का लगा है कि वो अपनी माँ की मृत्यु स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अब वो मंदिर में एक टांग पर खड़ा है, यह प्रण लेकर कि जब तक कि उसकी माँ वापस नहीं आ जाती वो वैसे ही रहेगा। जानते हो, पूरे राजभवन में यही बात हो रही है कि अशोक की माँ को व्याघ्र ने नहीं मारा है, उनकी हत्या की गई है। कदाचित आचार्य चाणक्य का यही विश्वास है, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम दोनों अच्छे मित्र हो, उसे इस वक्त तुम्हारी आवश्यकता है। आओ और उसे समझाओ कि उसकी माँ नहीं रही, उसे दाह संस्कार करना चाहिए। सोच क्या रहे हो बाल गोविंद? चलो। स्वतंत्र क्या हुए? हमारे दुख अब तुम्हारे नहीं रहे। जिस अशोक ने आज तक तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम उसकी जरा भी चिंता नहीं? मैं मानती कि सम्राट को मेरी अनुमति नहीं चाहिए, किंतु क्या एक पति को अपनी पत्नी की सहमति की भी आवश्यकता नहीं है, वो भी इतने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए? महारानी चारुमित्र। नहीं सम्राट, कहने दीजिए मुझे। इतने वर्षों से उपेक्षा ही सहती आई हूं मैं। आपने प्रेम नहीं किया, सहेल आपने सम्राट की जैसा सम्मान नहीं दिया, वो भी सहेल याद रखिए, आपने हमारे पुत्र, आपके ज्येष्ठ पुत्र को युवराज घोषित नहीं किया, वो भी सहेल किंतु एक पराई स्त्री का दाह संस्कार? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस बात से हमें दुख पहुंचेगा भी या नहीं? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी? इतने वर्षों में मैं ये नहीं समझ पाई कि आपके जीवन में मेरा स्थान क्या है। मुझे क्षमा करो चारुमित्र, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, किंतु मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान सदैव प्रथम पत्नी और सम्राज्ञी का रहा है। मैंने तुमसे तुम्हारे अधिकार कभी नहीं छीने, किंतु मेरे सम्राज्ञी, मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हारा भी अधिकार है, और यह दायित्व है कि तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे उचित अनुचित की पहचान कराओ। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं चारुमित्र, क्या अपने अंतर्मन की बात सुनना अनुचित है? जिस स्त्री का मैं दाह संस्कार करने जा रहा हूं, उसने न केवल मेरे दो बार प्राण ही बचाए हैं, बल्कि जिस समय उसकी यह दुर्घटना हुई थी, उसके सुरक्षा का दायित्व मुझ पर था। मैं अपने दायित्व की पूर्ति में असफल रहा चारुमित्र, और इसका मुझे अत्यंत दुख है। और यदि मेरा अंतर्मन मुझे ये विकल्प दे रहा है जिससे मेरी आत्मग्लानी थोड़ी सी भी कम हो सकती है, मैं उसकी उपेक्षा कर दूं। क्या तुम्हें यह स्वीकार्य होगा?
मैंने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है। आपका जीवन, आपका स्वस्थ होना ही मेरे कर्मों का पुण्य है। सुभद्रांगी, मैं अशोक को अनाथ होने की अनुभूति कभी नहीं होने दूंगा। कदाचित यही रानी धर्मा की नियति थी। आजीवन जिस प्रेम और सम्मान से वंचित रही, वो मृत्यु उपरांत